आईएनडी वर्सेस डब्ल्यूआई सेकंड ओडीआई मैच, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड ओडीआई मैच गाइस जो कि खेले जाने वाला है। और गाइस फर्स्ट ओडीआई मैच में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो प्लेयर्स बताए थे, सभी प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आप सभी भाइयों की गाइस रैंक भी काफी अच्छी आई होगी, क्योंकि गाइस मैंने आपको क्लियरली बोला था कायले मायर्स के बारे में। उस टाइम शायद बहुत कम लोगों ने उसको अपनी टीम में ले रखा था, बहुत कम लोगों की नजर थी, बट जिस भी भाई ने शोर एक्सपर्ट सपोर्ट फैमिली का वीडियो देखा था उसने उसको अपनी टीम में रखा था, साथ में श्रिया सैयर को भी अपनी टीम में रखा था। शिखर धवन के बारे में भी मैंने बताया था कि ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अच्छा करता है और फर्स्ट ओडीआई मैच में अच्छा कर सकता है। तो गाइस सभी भाइयों ने बहुत ही अच्छी रैंक आई है, स्मॉल लीग तो बहुत इजीली विन की है, साथ में ग्रैंड लीग में भी कई भाई है जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई। अब देखिए गाइस ये सेकंड ओडीआई जो मैच खेला जाएगा ये कौन से ग्राउंड पे खेला जाएगा, क्या इंडिया की प्लेइंग 11 वही रहेगी जो फर्स्ट ओडीआई में थी, क्या वेस्ट इंडीज की तरफ से जैसन होल्डर की वापसी होगी और कैसे आप इस वाले मैच की डिफरेंशियल टीम बनाओगे, वो कौन से पंट प्लेयर है जो आपको आज के मैच में लेने हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में गाइज अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो या आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा है बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइज नीचे लाल बटन है उसको दबा जरूर देना ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे गाइज मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से। बस आपको क्या करना है उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे आ जाना है ताकि आपको हर मैच का बिल्कुल फ्री अपडेट मिलता रहे। तो आप टेलीग्राम चैनल को गाइस जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक है शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से। और साथ में गाइस इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे रहेगा। वो गिव अवे आप कैसे मिलेगा, बस कुछ नहीं करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, उसी के बीच में एक क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, अगर आपका आंसर सही है तो प्राइज मिल जाएगा। वीडियो गाइस बहुत ही शानदार होने वाला है और कॉम्पिटिशन इस मैच में थोड़ा ज्यादा रहेगा तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, एक एक चीज बताऊंगा, फाइनल टीम दिखाऊंगा जिस टीम के साथ मैं गाइस खुद खेलने वाला हूं और कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन बताऊंगा। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, कुछ काम है तो कर ही आओ बट वीडियो पूरा देखना और वीडियो पे लाइक जरूर कर देना भाई की मेहनत के लिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से। देखिए गाइस ये वाला जो मैच खेला जाएगा ना सेम ग्राउंड पे खेला जाएगा जहां पे फर्स्ट ओडीआई हुआ था, किंग्स पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन और त्रिनिदाद में। और अगर यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट ओडीआई में कि यहाँ पे गाइस काफी हाई स्कोरिंग मैच होते हैं क्योंकि बैट्समैन को अच्छी मदद मिलती है, साथ में स्पिनर्स को भी बाद में आकर काफी फायदा मिलता है और उस कारण से आप देखिए स्पिनर्स ने भी यहाँ पे विकेट निकाले थे। अब इस वाले मैच में कौन से बॉलर विकेट लेंगे गाइस वो अभी अपन आगे बात करेंगे। ओडीआई स्टैट्स की गाइस यहाँ पे मैं बात करूं, टोटल 65 मैच यहाँ पे खेले गए जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 31, सेकंड ने 34 मैच विन किए हैं, एवरेज स्कोर 223 का है। और आप देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे 300 से ज्यादा का स्कोर 8 बार बना है। अब गाइस एक चीज आप देखिए, अब आप 2022 में आ चुके हैं, अब यहाँ पे खेलने का तरीका बहुत अलग हो गया है। आज पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग ओवर्स में थोड़ा तेज खेलते थे, फिर मिडिल ओवर्स में धीरे, फिर लास्ट में फास्ट होता था, आजकल हर ओवर में ही तेज खेला जाता है। तो 270 से 280 का स्कोर तो आप मान के चलिए बनने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो दोनों टीमों के बीच 137 मैच हुए हैं जिसमें इंडिया ने 68, वेस्ट इंडीज ने 63, रिजल्ट नहीं मिला 4 का और टाई हुआ है 2 बार। ठीक है, तो इंडिया का पलटा ही थोड़ा सा भारी रहेगा बट वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी फाइट की थी, लगभग मैच जीत ही गया था, इसलिए वेस्ट इंडीज को आप बिल्कुल हल्के में मत लेके चलना, बहुत ध्यान से आपको टीम बनानी है, वो अभी आगे पता लग जाएगा। इसके अलावा गाइस जिस वाले ग्राउंड पर अगर मैं बात करूं लास्ट 3 मैचों की, अब देखिए गाइस जो लास्ट मैच हुआ था ना वो अभी लेटेस्ट हुआ है 22 जुलाई 2022 को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, जो कि फर्स्ट ओडीआई हुआ था। इंडिया ने पहले बैट करते हुए 308 बनाए और वेस्ट इंडीज 305 ही बना पाया। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज ने 240 करे, इंडिया 256 बना के चेस कर गया। और यहाँ पे देखिए 2019 में हुआ था ये मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, इंडिया ने 279 और वेस्ट इंडीज 210 ही बना पाया। तो कहीं ना कहीं गई यहाँ पे जो भी टीम पहले बैट करेगी ना उसको एडवांटेज मिलेगा और वो कोशिश करेगी 300 प्लस का स्कोर बनाने की, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग थोड़ी सी यहाँ पे आसान होती है।
गाइस देखिए, ये माई इलेवन सर्किल एप्लीकेशन है। यहाँ इस एप्लीकेशन को सबसे पहले तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है, जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहीं पर ही आपको इसका लिंक दिख जाएगा। जब आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना, 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। खेलना नहीं खेलना वो आपकी इच्छा है, डाउनलोड करते ही मिल जाएगा 1500 रुपए का बोनस। साथ में गाइस, ग्रैंड लीग आपको खेलनी है, यहाँ पे खेलोगे रैंक वन पे आ जाओगे, अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में महिंद्रा थार आप अपने घर पे ले जा सकते हो, जो कि एक एक्सलेंट कार है। केवल एक खेलने से, ग्रैंड लीग खेलने से, वहां पे विन करने से। दूसरी चीज गाइस आपको यहाँ पे क्या बताऊं, यहाँ पर है ना अपनी आप जीतने के चांसेस 8 गुना बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस कम है। 7 लाख 6 लाख की ग्रैंड लीग होती है, वहां पर रैंक वन आना बड़ी बात नहीं है, ग्रैंड लीग बहुत छोटी होती है, कॉम्पिटिशन कम है, क्रेडिट का इशू नहीं है। और साथ में यहाँ पे गाइस अगर आप फर्स्ट डिपोजिट करते हो और कोड यूज करते हो EXP 2022, तो जितना भी आप डिपॉजिट करोगे उसका 20% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करा, कोड यूज किया EXP 2022, तो आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो तो फ्री के मिल रहे हैं। तो माई इलेवन सर्किल ऐप को आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है। इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपनी रिस्क पर खेले, संभल के खेले। गाइस सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, डाउनलोड ही नहीं करना, खेलना भी स्टार्ट कर देना है। मेरा फुल इन्वेस्टमेंट यही रहता है और आपको रिकमेंडेड करूंगा यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दे। अब दोनों टीमों की गाइस अपन प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं कि INDI वर्सेस WI सेकंड ODI में क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या चेंजेस दोनों टीमों की तरफ से हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से देखिए, शाई होप और कायले मायर्स गाइस ओपन करेंगे। कायले मायर्स गाइस आपको पता लग ही गया कितना एक्सीलेंट बैट्समैन है। इसके बाद शर्मन ब्रुक्स, ब्रैंडन किंग, निकोलस पुरन मिडिल ऑर्डर में आएंगे। इसके बाद रोमन पोवल, अकेल हुसैन, रोमारियो शेलपर्ड, अलजारी जोसेफ, जी मोटी और जाइडन सियल्स। अब देखिए, कोरोना हो चुका है जैसन होल्डर को, अगर वो फिट हो जाता है, अगर वो कोरोना से रिकवर कर जाता है, तो अगर वो बाय चांस वैसे खेलने के चांस बहुत कम है, खेलेगा तो जे सियल्स को बाहर बैठना पड़ेगा और उसकी जगह जैसन होल्डर टीम में आ जाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंज वेस्ट इंडीज इस वाले मैच में करने वाला है। इंडिया की तरफ से देखिए, शिखर धवन और शुभमन गिल गाइस ओपन करेंगे। अब जिस भी भाई ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा ना फर्स्ट ODI में, उसमें मैंने शुभमन गिल को ले रखा है अपनी टीम में टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, आपको दिख जाएगा शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से। और शुभमन गिल की वजह से सभी में मेरी रैंक अच्छी आई है, क्योंकि वीडियो में ईशान किशन के बारे में बताया था बट वो खेला नहीं था, ठीक है। श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में आएंगे। इसके बाद दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, चहल और प्रसिद्ध कृष्णा। इंडिया ऑलरेडी सीरीज पहला ODI जीत के आ रहा है, तो इंडिया भी मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई चेंज करेगा। अब दोनों टीमों में 22 प्लेयर है, कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में रखना है, कौन से को ग्रैंड लीग में रखना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। गाइस देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर विकेट कीपर सेक्शन की बात करूं, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से देखिए सबसे पहला नाम आता है शाई होप का, जो कि ओपन करेगा। फर्स्ट ODI में गाइस ये जल्दी आउट हो गया, 7 रन ही बनाए, बट मेरे हिसाब से आज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप क्या गलती करोगे, फर्स्ट ODI में आपने रखा था, उसने परफॉर्म नहीं किया, अब सेकंड ODI में ड्रॉप कर दोगे? नहीं, सेकंड ODI में हाई चांस है शाही होप रन बनाए, और इसका इंडिया के अगेंस्ट एवरेज बहुत अच्छा है, लगभग 43 का है, वेन्यू पर 29 का एवरेज है, स्टार मार कर रहा हूं। मेरे हिसाब से शाही होप आज के मैच में चलना चाहिए और आपके टीम में होना चाहिए। इंडिया की तरफ से देखिए, संजू सैमसन का जो बैटिंग ऑर्डर है ना गाइज, वो काफी नीचे है, नंबर 5 पे, ठीक है। तो अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर क्लैप्स होता है तो ही संजू सैमसन की बैटिंग आएगी। तो अगर आप संजू सैमसन को अपनी टीम में रख रहे हो ना, तो एक लॉजिक जरूर यूज करना। अगर संजू सैमसन को अपनी टीम में रख रहे हो, तो फिर इंडिया का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर देना शिखर धवन, शुभमन गिल, क्योंकि वो जल्दी आउट होंगे, तभी ही इसको रन बनाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज मत रखना, ठीक है। बाकी प्लेयर बहुत क्लास है, कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। वेस्ट इंडीज की तरफ से देखिए, टोटल 4 बैट्समैन है और काफी अच्छे टच में लग रहे थे लास्ट फर्स्ट ODI में। निकोलस पुरन की बात करूं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, नंबर 5 पे करेगा, खेलेगा, और इंडिया के अगेंस्ट देखिए ये काफी अच्छा करता है, इंडिया के अगेंस्ट एवरेज लगभग 42 का है, इस वेन्यू पर भी एवरेज अच्छा है, लगभग 32 का एवरेज है। ये वेस्ट इंडीज टीम है, यहाँ पे 30+ का एवरेज बहुत अच्छा एवरेज होता है,
और अगर लास्ट मैच में आप देखोगे 25 रन करे, उससे पहले 73 रन और एक विकेट। और आजकल गई विकेट कीपिंग करनी रहा, बॉलिंग का भी एक ऑप्शन है, एक से दो विकेट बॉलिंग में भी निकाल के दे सकता है। शमरन ब्रुक्स की मैं बात करूं, नंबर तीन पे खेलेगा, लास्ट मैच में 46 करे थे, काफी अच्छा क्लास लग रहा है। हेड टू हेड में 25 का एवरेज है, ओडीआई में 38 का एवरेज है, इस वेन्यू पर एक ही मैच खेला है, 46 बनाए, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है। इसके बाद ब्रैंडन किंग की मैं बात करूं, नंबर चार पे आएगा, इंडिया के अगेंस्ट लगभग 25 का एवरेज है, लास्ट मैच में 54 रन बनाए। और रोमन पोवल की बात करें, लास्ट मैच में 6 रन ही बनाए और इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा एवरेज भी खराब है, 14 का ही है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आज के मैच का पंच प्लेयर रोमन पोवल बन सकता है। आज मुझे लग रहा है कि निकोलस पुरन और पोवल में से कोई एक चल सकता है, तो इन दोनों के साथ आप रिस्क ले सकते हो। आज के मैच में एक बढ़िया प्लेयर है, ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो। शर्मन ब्रुक्स और ब्रैंडन किंग को आपको अपनी टीम में कैसे रखना है वो अभी आपको आगे पता लगेगा जब मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बात करूं इंडिया टीम के बैट्समैन की, तो इंडिया का गब्बर सबसे पहले आता है नाम शिखर धवन, जो कि ओपन करेगा। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एवरेज अच्छा है, 35 का है, इस वेन्यू पर एवरेज बहुत अच्छा है, 44 का। लास्ट मैच में 97 करे, 3 रन से गई सेंचुरी से रह गया, तो शिखर धवन गई मुझे लग रहा है आज के मैच में भी काफी अच्छा कर सकता है, टीम में तो आपको रखना ही रखना है। अब सी और वीसी बनाना है नहीं बनाना वो अभी अपन आगे डिसाइड करेंगे। सूर्य कुमार यादव नंबर चार पे खेलेगा, आप देखिए इस वेन्यू पर एक ही मैच खेला, 13 रन, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 39 का एवरेज और लास्ट 3 ओडीआई में 13, 16, 27, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे श्रेयस अय्यर नंबर तीन पे खेलेगा और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 50 प्लस का एवरेज है, इस वेन्यू पर लगभग 63 का एवरेज है, लास्ट मैच में 54 रन। और शुभमन गिल की बात करें, जो कि ओपन करेगा, लास्ट मैच में 64 रन बना के गए। अब देखिए चार बैट्समैन है यहाँ पे इंडिया के, चार में से तीन तो आपको रखने ही रखने पड़ेंगे इंडिया की तरफ से, क्योंकि सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो सेंचुरी लगा सकते हैं। तो शिखर धवन और शुभमन गिल को जो कि ओपन करेंगे, इन दोनों को तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तीसरा प्लेयर गाइस आप या तो श्रेयस अय्यर रख सकते हो या सूर्य कुमार यादव, ठीक है। अब आपको लगता है कि अगर आज के मैच में हो सकता है श्रेयस अय्यर या फिर शुभमन में से कोई जल्दी आउट हो जाए, तो उस केस में सूर्य कुमार यादव को आज के मैच में जरूर रखना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव मुझे लग रहा है आज के मैच में अच्छा कर सकता है, आज विकेट्स जा सकते हैं और वहां पे मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर सकता है। थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है और फिर आप टीम बना सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए वेस्ट इंडीज की तरफ से दो ऑलराउंडर है, एक तो रोमारियो शेफर्ड और एक कायले मायर्स। कायले मायर्स को ओपनिंग पे आएगा, टीम का फास्ट बॉलर भी है और ये प्लेयर है ना बहुत ही क्लास है। आप देखिए लास्ट मैच में 75 करके गया और बहुत ही अटैकिंग बैटिंग करता है। आप देखिए, आप एक मैच को मत देखिए, हेड टू हेड और वेन्यू को, आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखिए कि ओडीआई में 11 मैच खेले, 26 के एवरेज से 261 रन बनाए और बॉलिंग का भी एडवांटेज दे रहा है। तो कायले मायर्स को तो गाइस आप डेफिनेटली अपनी टीम में रख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे रोमारियो शेफर्ड की बात करूं, जो कि फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच में 39 रन किए, साथ में एक विकेट भी निकाला। बाकी गाइस जिसको बॉलिंग से विकेट थोड़े कम मिलते हैं, आप देखिए 16 मैच में केवल 9 विकेट निकाले, तो थोड़ा सा वो माइनस पॉइंट है, एक आध विकेट निकाल सकता है, बट मायर्स को आप जरूर रखना, ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगा आज के मैच के लिए। इंडिया की तरफ से गाइस मैं यहाँ पे बात करूं अगर ऑलराउंडर्स की, तो इसमें सबसे पहला नाम है अक्षर पटेल, टीम का स्पिनर है, और दीपक हुड्डा, ये भी टीम का स्पिनर है। अक्षर पटेल की गाइस मैं अगर ओवरऑल फॉर्म की बात करूं, तो लास्ट ओडीआई में 21 रन बनाए थे, बैट बॉलिंग से कुछ विकेट निकाले नहीं, ठीक है। और इस वेन्यू पर एक मैच खेला 21 रन, हेड टू हेड में 2 मैच 2 विकेट। आज के मैच का पंट प्लेयर है गाइस, जीएल में ट्राई जरूर कर लेना, 1 से 2 विकेट निकाल के दे सकता है अगर खेलेगा तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दीपक हुड्डा, ये थोड़ा सा गाइस लोअर डाउन बैटिंग कर रहा है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना गाइस वो T20 की काफी अच्छी लग रही है, ओडीआई में उतना इंप्रेसिव लग नहीं रहा। बाकी लास्ट ओडीआई में 27 रन बनाए थे, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गाइस सारे प्लेयर्स को तो रख नहीं सकते, केवल 11 प्लेयर आपको रखना है। अब सभी को ही रखोगे तो किसी को तो ड्रॉप करना है, बट मैंने आपके लिए टीम बना रखी है, आप परेशान मत होइए, अभी दिखाऊंगा गाइस आपके लिए क्या टीम बनाई है मैंने आज के मैच की। तो गाइस फ्री गिव अवे का क्वेश्चन अभी आने वाला है ना, और अभी भी बहुत से भाई है जिन्होंने वीडियो पे लाइक नहीं किया, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी देते हैं बट क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर बेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि लाइनअप के बाद जो ग्रैंड लीग्स की टीम आती है ना वो वहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ लिंक है शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से, बस क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है।
बॉलिंग सेक्शन में देखिए वेस्ट इंडीज के टोटल चार बॉलर है। अल्जारी जोसेफ ने देखिए लास्ट ओवर्स कराए थे डेथ ओवर्स और फास्ट बॉलर है और वहां पे दो विकेट निकाले। इस वेन्यू पर तीन मैच पांच विकेट है और इंडिया के अगेंस्ट 11 मैच में 18 विकेट है। स्टार मार कर रहा हूँ गाइस, आपको रख लेना है। स्टार मार का मतलब है कि इस प्लेयर को आपको रखना ही रखना है। जी मोटी की मैं बात करूं, टीम का स्पिनर है और गाइस मैंने आपको क्लियरली बताया था, मेरा फर्स्ट ओडीआई मैच का वीडियो देख लेना कि इस प्लेयर के बारे में मैंने बोला था ये बहुत बढ़िया बॉलर है। और आप देखिए लास्ट मैच में दो विकेट निकाले, ओडीआई में तीन मैच में छह विकेट। अकेल हुसैन जो कि टीम का स्पिनर है, एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लास्ट ओडीआई में 32 रन एक विकेट। और जायडन सीएल्स फास्ट बॉलर है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, हो सकता है जैसन होल्डर खेले या हो सकता है इनके बेंच में कई प्लेयर्स बैठे हुए हैं, अभी मैं उनका रिकॉर्ड बताऊंगा, वो जायडन सीएल्स के रिप्लेसमेंट में खेल सकते हैं, वो भी एक बढ़िया पिक होने वाले हैं। इंडिया की तरफ से देखिए इंडिया का जो चहेता बॉलर है ना यजवंदर चहल, टीम का स्पिनर है, आईपीएल से ही फॉर्म ऐसी चल रही है जबरदस्त, कोई मैटर नहीं करता कैसा पिच है, बस विकेट निकाल के देता है। लास्ट मैच में दो विकेट, उससे पहले तीन विकेट, उससे पहले चार विकेट, अब तक 9 विकेट निकाल चुका है 3 मैचों में, ठीक है। इस वेन्यू पर 2 मैच 3 विकेट, हेड टू हेड में 8 मैच 15 विकेट। स्टार मार कर रहा हूं यजवंदर चहल को, आपको रखना ही रखना है। शार्दुल ठाकुर टीम का फास्ट बॉलर है, लास्ट 3 मैचों में अब तक 8 विकेट ले जा चुका है, फॉर्म बहुत ही अच्छी है और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 5 मैच 6 विकेट, वेन्यू पर 1 मैच 2 विकेट। तो शार्दुल ठाकुर और चहल ये दो इंपॉर्टेंट बॉलर हो गए इंडिया की तरफ से। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को भी लास्ट दोनों ओडीआई में 2-2 विकेट मिले, 5 मैच 7 विकेट। और प्रसिद कृष्णा की फॉर्म गाइस थोड़ी सी खराब चल रही है, तो हो सकता है आज के मैच में आपको अर्षदीप सिंह खेलता हुआ दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया एक बदलाव कर सकता है, प्रसिद्ध कृष्णा को रेस्ट देके अर्षदीप सिंह को भी खिला सकता है। अगर अर्षदीप सिंह खेलेगा तो ग्रैंड लीग के लिए एक बढ़िया पिक है। बाकी इंडिया के तीन बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, सिराज, चहल और ठाकुर, ठीक है, ये तीनों बढ़िया है। इनमें से भी अगर आपको दो ही पिक करने हैं तो चहल और ठाकुर के साथ जा सकते हो, दोनों को तो आपको रखना ही रखना है अपनी टीम में। समझ में आ गया गाइस? गाइस यार मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लाइक तो बिल्कुल नहीं आते आप लोगों के, शायद कोई नाराजगी होगी, बट मत करो लाइक्स, बट पूरा वीडियो देखो, इसी में मेरी खुशी है, ठीक है। तो WI वर्सेस IND सेकंड ODI की भी फाइनल टीम आने वाली है, बिल्कुल बने रहना। प्लेयर बैटल बता रहा हूँ गाइस, प्लेयर बैटल क्या होती है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। प्लेयर बैटल का मतलब है कि ऐसे वो कौन से प्लेयर है जिनको आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि वो स्ट्रगल करते हैं उन बॉलर्स के अगेंस्ट। सबसे पहला नाम शाही होप का आता है। अब शाही होप देखिए ओपनिंग पे आएगा बट ये मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, 46 बॉलों के अंदर 3 बार आउट कर चुका है मोहम्मद सिराज ने, तो कहीं ना कहीं शाही होप आज के मैच का भी रिस्की चॉइस है, ग्रैंड लीग में आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पे देखोगे यजवंदर चहल ने जैसन होल्डर को 2 बार आउट किया हुआ है, अल्जारी जोसेफ ने शिखर धवन को 2 बार आउट किया है, बाकी तो एक एक बार आउट है। तो एक एक बार गाइस वो इतना मैटर नहीं करता बट 2 से ज्यादा बार आउट किया है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जैसन होल्डर ने जडेजा को 2 बार आउट किया 26 बॉलों के अंदर, बाकी यहाँ पे एक एक बार आउट है। तो एक एक बार वाले को आप चाहे इतना दिमाग मत लगाना बट कहीं ना कहीं शाही होप, जैसन होल्डर, शिखर धवन और जडेजा इन पे थोड़ा सा फोकस करना, ये थोड़ा रिस्की चॉइस है, एज ए बैटिंग सेक्शन आप ले रहे हो तो रिस्की, ठीक है। वेस्ट इंडीज की तरफ से देखिए कुछ प्लेयर है जो आज के मैच में खेल सकते, एक तो जैसन होल्डर अगर वापसी होती है तो खेलेगा तो आपकी टीम में आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है। केसी कार्टी को टीम मौका दे सकती है क्योंकि ओडीआई में एवरेज 54 का है, तो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, अगर खेलता हुआ दिख जाए ना रख लेना अपनी टीम में। पर मुझे लग रहा है एज ए बैटिंग सेक्शन से इनमें चेंज नहीं होगा, बॉलिंग सेक्शन में जरूर चेंज हो सकता है। बॉलिंग सेक्शन से तो कीमो पॉल खेल सकते हैं, थोड़े से इंजर्ड है, और हेडन वॉल्स को टीम खिला सकती है एज ए स्पिनर टीम का, ठीक है। ओडीआई में 20 मैच में 26 विकेट निकाले तो जायडन सीएल्स की जगह ये खेल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा क्योंकि कीमो पॉल इंजर्ड है और जायडन सीएल्स फास्ट बॉलर है, तो उसके रिप्लेसमेंट में फास्ट बॉलर ही आएगा और वहां पे इनके पास ऑप्शन है नहीं, तो होल्डर आएगा तो ही खेलेगा, अदरवाइज वही टीम उतरने वाली है जो फर्स्ट ओडीआई में थी। इंडिया की तरफ से देखिए कुछ चेंज होगा नहीं, एक अर्षदीप सिंह आ सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह क्योंकि उतने कुछ खास लग नहीं रहे लास्ट 4 मैचों से आप देखोगे तो। अर्षदीप सिंह खेलता है तो आप अपनी टीम में जरूर से रख लेना। आवेश खान भी एक चांस हो सकता है, इसको भी मौका मिल सकता है। अब देखिए गाइस लास्ट ओवर्स में कौन बॉलिंग कराएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अल्जारी जोसेफ लास्ट ओवर्स में आके 2 विकेट निकाल के लेके गया था, ठीक है,
और एक मैच देखा होगा आपने आयरलैंड न्यूजीलैंड का, माइकल ब्रेसवेल को केवल लास्ट ओवर मिला था, वहां पे 3 विकेट निकाले थे। इसके डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग कराएगा उन प्लेयर्स को जरूर रखा करो। वेस्ट इंडीज की तरफ से देखिए अल्जारी जोसेफ, जायडन सीएल्स और रोमारियो शेल पर, ये 3 ऑप्शन है ठीक है जो डेथ ओवर्स में आएंगे। जायडन सीएल्स अगर खेलते हैं तो कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। इंडिया की तरफ से देखिए चहल सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 बॉलर है, और ओपनिंग पे जोसेफ, जायडन सीएल्स, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है। तो ये कुछ बॉलर है जिन पे आप फोकस कर सकते हो, ये लास्ट ओवर्स में बॉलिंग करा सकते। अब गाइस आपको आज के मैच की फाइनल टीम दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले इस वाले मैच का गिव अवे का क्वेश्चन आ गया। गाइस आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच आज के मैच में कौन सा प्लेयर रहेगा, आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहेगा? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। आंसर देते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है तो ही प्राइज मिलेगा। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पे लाइक कर देना है, टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन करना है जिसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन आप समझते हो ना, जहां पे आप लिखते हो कुछ भी आपकी क्यूरी होती है वो लिखते हो, तो कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक दिखेगा श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से, बस उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना। आज के मैच की गई पहली टीम क्या रहेगी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की, देखिए विकेट कीपर में रखा है शाही होप। आज होप से गई मुझे काफी होप है, मुझे लग रहा है आज रन बना सकता है ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडिया के 4 बैट्समैन रखे हैं क्योंकि इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग साइड लग रहा है, चारों बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुभमन गिल को रखा है, श्रेयस अय्यर को रखा है, शिखर धवन को रखा है और सूर्य कुमार यादव, चारों बैट्समैन को मैंने इंडिया के रख लिया है अपनी टीम में। यहाँ पे रखा है निकोलस पुरन को, बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, काफी अच्छी बैटिंग कर सकता है। यहाँ पे कायले मायर जो कि ओपनिंग पे आएगा, रोमारियो शेलपड़ को रखा है, आप चाहो तो रोमारियो शेलपड़ की जगह यहाँ पे ब्रुक्स को भी रख सकते हो या फिर ब्रैंडन किंग को रख सकते हो ठीक है। यहाँ पे अल्जारी जोसेफ को रखा है, शार्दुल ठाकुर को रखा है, यजवंदर चहल को रखा है। ये मेरी पहली टीम है जो आप आज के मैच में यूटिलाइज कर सकते हो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। और टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जाके ज्वाइन कर ले क्योंकि आपको फाइनल अपडेट वही मिलने वाला है। अब ग्रैंड लीग की टीम गाइस मैंने क्या रखी है आपके लिए, ग्रैंड लीग के लिए क्या टीम बनाई है, बहुत डिफरेंशियल टीम बनाई है। माई चांस आज के मैच में धवन नहीं चलता है ठीक है, जल्दी आउट हो जाता है, श्रेयस अय्यर आउट हो जाता है, तो उस केस में क्या टीम बनेगी? तो मिडिल ऑर्डर में आकर देखिए संजू सैमसन पंट प्लेयर बन सकता है, ये प्लेयर ऐसा है अगर टिक गया ना तो 50-60 रन कब बना देगा पता ही नहीं लगेगा, बहुत तेज बैटिंग करता है। यहाँ पे रखा है शुभमन गिल को, यहाँ सूर्य कुमार यादव, ब्रैंडन किंग, शर्मन ब्रुक्स, ये दोनों प्लेयर गाइस बहुत ही क्लास प्लेयर है आप कह सकते हैं। खास तौर से शर्मन ब्रुक्स तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, अगर वेस्ट इंडीज के कोई अच्छे बैट्समैन देखे जाए ना तो एक तो सबसे पहला नाम है शाही होप का और सेकंड पे आता है शर्मन ब्रुक्स, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। यहाँ पे दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल ठीक है, दीपक हुड्डा ने रन नहीं बनाए लास्ट मैच में, संजू सैमसन ने नहीं बनाए, सूर्य कुमार यादव ने नहीं बनाए, तो ये 3 प्लेयर पंट प्लेयर होंगे आज के मैच के ग्रैंड लीग के ठीक है। और यहाँ पे रखा है अकेल हुसैन, जी मोटी, मोहम्मद सिराज और यजवंदर चहल, तो ये वाली टीम बिल्कुल डिफरेंशियल टीम है जो कि ग्रैंड लीग में यूज करेंगे आप लोग या फिर वहां पे यूज करेंगे जहां आप थोड़ी रिस्की टीम उतारना चाह रहे हो, परफेक्ट टीम है आप रख सकते हो ठीक है। दोनों टीम मैंने आपको दिखा दी है स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी। अब कप्तान वाइस कप्तान के लिए कौन बेस्ट रहेगा उसकी बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस कर लो यार भाई, एक चीज बताओ जब आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे लिंक है, 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। ये बोनस आप वहां पे कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, कई सारे कॉन्टेस्ट है, कहीं भी यूटिलाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। इसके अलावा ग्रैंड लीग आपको खेलनी है ऐसी जगह खेलो जहां पे आपकी विनिंग 8 गुना बढ़ जाए क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है, कहाँ करोड़ों कहाँ लाखों लोग खेलते हैं, कहाँ 3-4-5 लाख लोग खेलते हैं, उसमें ही आप महिंद्रा थार विन कर सकते हो जो कि एक एक्सलेंट कार है। साथ में फर्स्ट डिपॉजिट कराने पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है, तो डाउनलोड कर लेना, बट इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर और संभल के खेले, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कप्तान वाइस कप्तान की गाइस अगर मैं चॉइस की बात करूं तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए देखिए शिखर धवन बढ़िया चॉइस है, श्रेयस अय्यर बढ़िया चॉइस है, पर ये देखिए दोनों रन बना चुके हैं अभी
ठीक है, तो मैं आपके लिए बता दूंगा, जब मैं आपको लाइव आऊंगा तब आपको बता दूंगा कौन बढ़िया रहेगा, कोशिश करूंगा लाइव आने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पज से था, और आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहा करें, और देखिए खा पे खेलना है नहीं खेलना वो आपका डिसीजन है, मैं कहीं से फोर्स नहीं करता आपको। और IND वर्सेस WI सेकेंड ODI का डिटेल प्रीव्यू यहाँ पे खत्म होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर से कर देना।